मार्केट में जो जिस तरह के ड्रोन्स उपलब्ध हैं वो ज़्यादातर बैटरी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो उनकी उड़ान की क्षमता को बहुत ही नियमित कर देता है। तो जो बैटरी वाले ड्रोन्स हैं वो आपको आधा घंटे से लेकर एक घंटे तक ही उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, लेकिन ये ड्रोन जो है जो 3 से 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी और खासियत है। तो ये लाइट वेट होने के कारण इसको कहीं भी आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक इंसान इसको आसानी से उठा करके कहीं भी ले आके कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। एक बार लॉन्च करने के बाद ये 5 किलो का वजन उठा करके करीबन 50 से 55 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तो किसी एक कैंप से दूसरे कैंप तक कुछ अगर राहत सामग्री या कुछ विशेष सामग्री भेजनी हो अर्जेंटली, तो उसके लिए इसका तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है, तो इस पर अगर अच्छे क्वालिटी का डे नाइट कैमरा लगा दिया जाए जिसमें कि अधिक मात्रा में जूम हो, तो आप इसको ऊँचाई पर उड़ा करके वहाँ से आप पूरे बड़े बड़े एरियाज को आसानी से नज़र में रख सकते हैं। तो चाहे वो बॉर्डर पर हो गया या फिर नक्सली एरिया जहाँ पर जंगलों के बीच नक्सली छुपे रहते हैं, तो वहाँ भी ये निगरानी रखने के लिए और गतिविधि पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दुश्मन की पकड़ में ना आने के लिए तो दो बातें इसके लिए हैं। एक तो है कि वही रडार से डिटेक्ट हो या ना हो, और दूसरा है कि दुश्मन अगर डिटेक्ट कर भी ले तो इसको जाम ना कर पाए। तो डिटेक्शन तो संभव है क्योंकि अब ऐसे रडार उपलब्ध हैं जो बहुत छोटे छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। हालांकि ये ड्रोन जो है थोड़ा नीचे उड़ करके काफ़ी नीचे से उड़ के जा सकता है, तो उनको चकमा देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आज के ज़माने में छोटे ड्रोन्स को भी डिटेक्ट करने के लिए रडार्स उपलब्ध हैं। तो एक्चुअली इसका इस्तेमाल और टेस्टिंग जो है वो रेगिस्तान में जैसलमेर में भी किया जा चुका है और 11,500 फीट की ऊँचाई पर लेह में भी किया जा चुका है। तो ये कहा जाए तो हर परिस्थिति में उड़ने के लिए सक्षम है। हालाँकि इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि क्योंकि ये इंजन से के द्वारा प्रोपेल्ड है, तो जैसे इंजन को हम अधिक ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम होने के कारण उसकी उठाने की क्षमता घटती जाती है। तो अगर इसमें हम कम पेलोड को उठाएं, जैसे कि 1 किलो ही पेलोड उठाएं, तो ये 3 से 4 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इस तरह का ड्रोन जो है, हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है, ये यूरोप में कुछ कंपनीज हैं जो बना रही हैं और अमेरिका में कुछ कंपनीज हैं जो बना रही हैं। इन देशों के अलावा भारत देश में हम लोग ही हैं जो अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन पर काम कर रहे हैं।